भैया 20 सेंटीमीटर की जगह में तो हमने 6 इंच का गड्ढा कर दिया। हाँ भैया, अब कैसे करेंगे भैया? 20 सेंटीमीटर की तो गड्ढा 6 इंच की कर लिए, गड्ढा में हम पेपर लगाएंगे नीचे। अच्छा, ये पेपर किस लिए? पेपर इसलिए भैया कि हम जब 6-1 इंच की मिट्टी खोद के निकालेंगे तो पेपर में जाएगा। अच्छा, तो वो मिट्टी नमूने के लिए? हाँ, नमूने के लिए ही निकालेंगे। तो पेपर को हम ऐसे लगाते हैं। अच्छा भैया, ऐसे नमूना किससे निकालेंगे भैया? नमूना भैया इससे निकालेंगे। अच्छा, 1 इंच की मोटाई, 1 इंच की मोटाई दीवार के यहाँ से काट के हम पेपर में डाल लेंगे। अच्छा, या जो पूरी दीवार की ऊपर से लेकर नीचे तक की मिट्टी निकालना चाहिए। अच्छा भैया, एक दिशा का हो गया है। हाँ भैया, अब उल्टी दिशा का जो दीवार है अब उससे उस दीवार से निकालेंगे। अच्छा, उसका भी निकालेंगे। हाँ भैया, हाँ भैया, उसी प्रकार इस दीवार की मिट्टी खोद के निकालना है हमें, 1 इंच की गहराई से। हाँ, मिट्टी खोद के निकालना है। इसका भी ऊपर से और ये नीचे तक का पूरा मिट्टी निकालना है। पूरा 6 इंच तक की मिट्टी निकालनी है। हाँ भैया, ये तो एक गड्ढा का सैंपल निकाल लिए। हाँ भैया, अब इसी प्रकार खेत के चारों ओर की 20 सेंटीमीटर के एरिया के 6 इंच की गड्ढा के मिट्टी का सैंपल निकालना है। अलग अलग लगेगा? हाँ, अलग अलग जाएगा। अच्छा, अब ये कसले में भैया ये मिट्टी को रखना है वहाँ। अच्छा भैया, इसको यहाँ रखना है। अब भैया कहीं और चलते हैं, दूसरी जगह के नमूने लेने के लिए। चलिए चलिए। ये दूसरा गड्ढा तैयार हो गया भैया। अभी ये गड्ढे से भी मिट्टी के सैंपल निकालना है। अच्छा भैया,